रूस यूक्रेन युद्ध में अब रूसी फौज बेहद ही आक्रामक तरीके से यूक्रेनी सेना पर हमले कर रही है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना को बड़े बड़े झटके लगे हैं। पहले उसने अवदिवका को गंवाया और फिर डोनेस्क की कई रणनीतिक पोजीशंस पर रूस ने कब्जा कर लिया और अब जिन हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना रूसी फौज का सामना कर रही थी, अब रूस उन हथियारों की हवा निकालने में लगा हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी सेना की सेंट्रल बटालियन के सैनिक अमेरिका के M1 अब्राहम टैंक को डोनबास के अवदिवका इलाके से उठा कर ले जा रहे हैं। अपने आप में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें रूसी सैनिक अमेरिका के अब्राहम टैंक्स को उठा के ले आए हैं। इससे पहले मार्च 2024 में अवदिवका के इसी इलाके में रूसी सैनिकों ने एक अब्राहम टैंक को तबाह कर दिया था और अब इस टैंक को लेकर रूसी सेना इसे जीती हुई ट्रॉफी के रूप में पेश कर रही है, जो रूसी सेना की ताकत का एहसास दिला रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे रूसी सैनिक अब्राहम टैंक के आगे और पीछे अपने टैंकों को लगाकर इसे खींचते हुए ले जा रहे हैं। और रूसी सेना अब इसे मॉस्को में होने वाले ट्रॉफी एग्जीबिशन में लोगों के देखने के लिए लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ 29 मार्च 2024 को रूसी सेना ने एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो जारी किया था जिसमें रूसी सेना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टारगेट पर दागती हुई नजर आ रही है, जिससे एक धमाका होता है और उसके बाद रूसी सेना फिर से एक एंटी टैंक मिसाइल फायर करती है जिसमें दोबारा धमाका होता है और ये हमले किसी और पर नहीं बल्कि अब्राहम टैंक पर होते हैं। अब्राहम टैंक के एक तरफ मिसाइल जाकर लगती है जिससे उसमें तुरंत आग भी लग जाती है और रूसी सेना का कहना है कि इस आग से बचने के लिए टैंक से 3 यूक्रेनी सैनिक रेंगते हुए भाग निकलते हैं। बड़ी बात यह है कि अब्राहम टैंक के चालक दल में आमतौर पर 4 सैनिक होते हैं और इस हमले में ये पता नहीं चल सका कि चौथे सैनिक का क्या हुआ। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई तस्वीरों के मुताबिक इस हमले में टैंक पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है, बल्कि उसका कंपार्टमेंट जिसमें क्रू मेंबर बैठते हैं वो पूरी तरह से जल गया था। आपको बता दें कि अमेरिका ने अक्टूबर 2023 में यूक्रेन को कुल 31 M1 अब्राहम टैंक्स भेजे थे। इनमें से कम 5 टैंकों को रूसी सेना तबाह कर चुकी है, जबकि 3 टैंक मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और इनमें से अधिकतर टैंकों पर कामिकेज ड्रोन से हमला किया गया और रूसी सेना के इन्हीं हमलों के डर से यूक्रेन ने अब्राहम टैंक्स को फ्रंट लाइन से हटा लिया है।